सो हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो आप सभी का परफेक्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 29 जनवरी के करंट अफेयर को। तो जल्द से जल्दी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और इसके साथ ही जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिएगा, बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ये जो है, ये साल का पहला ग्रैंड स्लैम जो है, ये चैंपियनशिप थी ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जो है किसने जीता है। ऑप्शन है यानिक सिनर, रोहन बोपन्ना, नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव। यानिक सिनर, रोहन बोपन्ना, नोवाक जोकोविच या फिर डेनियल मेदवेदेव, इनमें से जो है किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जो है वो मैन सिंगल का टाइटल। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। जस्ट अ मिनट, नाउ इट्स कनेक्टेड। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है यानिक सिनर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो कौन बने हैं, तो यानिक सिनर। तो यानिक आज जो है ये पेन काम नहीं कर रहा है। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन का जो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानिक सिनर। तो यानिक सिनर जो है ये हाल ही में बने हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल के ये विजेता बने हैं। अगर हम बात करें तो यानिक सिनर जो है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यानिक सिनर इज राइट आंसर। अब बात करते हैं कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये जो इटली के खिलाड़ी हैं। तो ये यानिक सिनर जो है ये इटली के टेनिस प्लेयर हैं, इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं। यानिक सिनर जो है ये इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं और ये बने हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल के ये चैंप, यानी पुरुष एकल का खिताब जो इन्होंने जीता है। अगर हम बात करें यानिक सिनर की, तो इन्होंने रशिया के डेनियल मेदवेदेव को हराया है। इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने रशिया के जो है वो डेनियल मेदवेदेव को जो है वो हराया है।
अगर हम बात करें यानिक सीनर की, तो ये जो है ये पहले, तो यानिक सीनर जो है ये इटली के जो है ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पुरुष एकल का खिताब जो वो जीता है। अगर हम बात करें, यानी अगर हम बात करें यानिक सीनर की, तो पहले खिलाड़ी हैं, तो इटली के पहले प्लेयर। अगर भाई यानिक सिनर की बात करते हैं, अगर हम तो यानिक सिनर जो है, यानिक सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन ईओ यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले जो हैं ये पहले, ये जो है ये पहले जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी हैं, वाले इटली के पहले खिलाड़ी हैं। ये अगर हम बात करें यानिक सिनर की, तो यानिक सिनर जो है इटली के पहले ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में। अगर हम बात करें मिक्स, अगर हम बात करें वुमेन कैटेगरी, अगर हम बात करते हैं वुमेन सिंगल की बात करें, तो वुमेन सिंगल का जो खिताब जीता है वो जीता है आरेना सबालेंका ने। तो आरेना सबालेंका जो ये बेलारूस की खिलाड़ी है, इन्होंने जीता है वुमेन सिंगल का, इन्होंने खिताब जीता है, और ये लगातार इनका जो ये दूसरा जो है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब है। अब बात करते हैं मेंस डबल की, अगर हम बात करें मेंस डबल की, तो मेंस डबल का जो खिताब जीता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो दिया रोहन बोपन्ना, तो रोहन बोपन्ना और उनके जो जोड़ीदार हैं जिनका नाम है मैथ्यू एबडन, इन्होंने जीता है। अगर हम बात करें मेंस डबल की, तो भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के जो मैथ्यू एबडन एबडन ये बने हैं। और रोहन बोपन्ना जो है ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी, 43 वर्ष की आयु में उन्होंने जीता, यानी रोहन बोपन्ना जो है बड़ी उम्र में यानी 43 वर्ष की आयु में जो है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो है वो मेंस डबल का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जो है ये बने हैं। तो राइट आंसर, इस क्वेश्चन पूछा गया था कि पुरुष एकल का खिताब, तो ये जीता है यानिक सिनर ने। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी, टाटा ग्रुप और एयरबस के द्वारा H125 हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की जाएगी? टाटा ग्रुप और एयरबस के द्वारा जो है वो H125 हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की जाएगी? ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, वडोदरा, गांधीनगर। बेंगलुरु, चेन्नई, वडोदरा या फिर गांधीनगर, इनमें से कहाँ पर जो है वो टाटा ग्रुप और एयरबस के द्वारा जो है वो H125 हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का अगर हम बात करें सही आंसर की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो वो है वडोदरा। तो वडोदरा गुजरात में, तो कहां पर, तो वडोदरा गुजरात में, तो बात करें तो वडोदरा गुजरात में जो है वो की जाएगी टाटा ग्रुप और एयरबस के द्वारा H125 हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला, पहली वुमेन सूबेदार जो है वो कौन बनी है? ऑप्शन है दिशा नायक, प्रीति रजक, दीपिका मिश्रा, गीता राणा। दिशा नायक, प्रीति रजक, दीपिका मिश्रा, गीता राणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी, प्रीति रजक। तो कौन बनी है? तो प्रीति रजक जो है ये बनी है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार जो है ये बनी है। अब बात करते हैं कहाँ की रहने वाली है, तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित, ये मध्य प्रदेश राज्य की रहने वाली है। तो मध्य प्रदेश राज्य से बिलोंग करती है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक। और अगर हम बात करें तो प्रीति रजक जो है भारतीय सेना में मशहूर जो है ये ट्रैप शूटर है। अगर हम बात करें प्रीति रजक की, तो ये जो है ये इंडियन आर्मी में यानी भारतीय सेना में, ये इंडियन आर्मी में जो है
ये एक पॉपुलर इंडियन आर्मी में जो है ये एक पॉपुलर ट्रैप शूटर है, पॉपुलर ट्रैप शूटर है, ट्रैप शूटर है, ट्रैप शूटर है। और अगर हम बात करें तो इन्हें जो है यानी अभी तक ये हवलदार के पद पर ये जो थे, यानी ये अभी तक जो है भारतीय सेना में हवलदार के पद पर थी और अभी इन्हें प्रमोशन देकर जो सूबेदार बनाया गया है। अगर हम बात करें तो यानी फिर अगर हम बात करें प्रीति रजक की, तो 2022 में, 2022 22 में यानी एशियन गेम 2022 में, एशियन गेम 2022 जो चाइना में आयोजित किया गया था, एशियन गेम 2022 22 में जो है इन्होंने ट्रैप वुमेन इवेंट में, इन्होंने जो है ट्रैप वुमेन इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है, में जो है वो सिल्वर मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रीति रजक। तो चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने, एजेंसी के रोवर ने मार्स प्लैनेट प्लैनेट पर जो है वो पानी की जो है वो पुष्टि की है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के रोवर ने मंगल ग्रह पर जो है वो पानी की जो है वो पुष्टि की है। इसरो, CNSA, नासा या फिर जाक्सा। इसरो, CNSA, नासा या फिर जाक्सा। इसरो इसरो जो है इंडिया की स्पेस एजेंसी है, CNSA चाइना की स्पेस एजेंसी, नासा यूएस की, और जाक्सा जापान की जो है ये स्पेस एजेंसी है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की कि किस एजेंसी के रोवर ने जो है मंगल ग्रह पर पानी की पुष्टि की है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी ऑप्शन नंबर सी नासा। तो नासा के जो है ना, तो नासा के रोवर ने जो है वो मंगल ग्रह पर जो है वो पानी की जो है, पानी के होने की जो वो पुष्टि की है। अगर हम बात करें तो नासा ने जो है एक मिशन भेजा है 2021 में, जिसका नाम है प्रजर्वेंस रोवर ने डाटा भेजे। तो नासा के जो है, तो नासा के नासा नासा के मार्स पर, नासा के मार्स पर भेजे गए, मार्स पर जो है वो भेजे गए प्रिजर्वेंस रोवर ने जो है वो डेटा भेजे हैं, भेजा है कि मार्स पर पानी है, कि मार्स पर जो है वो पानी है। कि मार्स पर पानी है, ऐसा डेटा जो इसने भेजा है। अब बात करते हैं कब इसको जो है लॉन्च किया गया था। तो रोवर को जो है वो नासा ने, इस रोवर को नासा ने 2021 में, 2021 में 21 में जो है वो लॉन्च किया था, 2021 में लॉन्च किया था। और इसने हाल ही में जो है मंगल ग्रह पर जो है वो पानी के होने की पुष्टि की है। तो चलिएगा, यानी इसने जो है एक मंगल ग्रह पर जो एक क्रेटर है जिसका नाम है जजीरो क्रेटर, इसके सैंपल इकट्ठा करके भेजे हैं कि इस क्रेट यहाँ पर जो है पानी जो है वो विद्यमान था, यानी पानी के साक्ष्य जो है, पानी के होने की जो है वहां पर उसने जो है ऐसे जो है वो जो है डेटा भेजे हैं नासा को। तो चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाल ही में 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, हाल ही में 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ऑप्शन है तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिंह। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिंह, इनमें से कौन बने हैं बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, ऐसा लगता है नीतीश कुमार को जो है बहुत लोभ है, बहुत चाव है सत्ता हासिल करने का। ये कभी एक पार्टी के साथ समझौता मतलब गठबंधन करते हैं, कभी दूसरे के साथ करते हैं। अभी इन्होंने जो है वो लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी थी उसके उसके साथ जो समझौता किया था उससे जो है उससे यानी ये उसको उन्होंने छोड़कर फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है और बीजेपी के सहयोग से फिर से जो है सीएम बन गए हैं बिहार के, नीतीश कुमार।
नीतीश कुमार जो है ये 9वीं बार जो है इन्होंने शपथ ली है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, और इन्हें शपथ दिलाई है बिहार के वर्तमान में जो राज्यपाल जिनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आरनेकर जी, उन्होंने इनको जो है शपथ दिलाई है। तो चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और सम्राट चौधरी जो है वो डेप्यूटी सीएम जो है वो बनाए गए हैं बिहार के। तो सम्राट चौधरी वो डेप्यूटी सीएम है। डेप्यूटी सीएम जो है वो सम्राट चौधरी डेप्यूटी सीएम है बिहार के, और ये बिहार बीजेपी के जो है ये अध्यक्ष भी हैं। चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरिशंकर भाबड़ा जो है वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हरिशंकर भाबड़ा किस राज्य के जो है वो फॉर्मर जो है वो वाइस सीएम थे, यानी डेप्यूटी सीएम, क्या माफ कर डेप्यूटी सीएम सॉरी किस राज्य के जो डेप्यूटी सीएम थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हरिशंकर भाबड़ा जो है किस राज्य के जो है वो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का अगर हम बात करें सही आंसर की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। तो कौन से राज्य के, तो राजस्थान के। तो हरिशंकर भाभड़ा जो है ये राजस्थान राज्य के जो है ये पूर्व उप मुख्यमंत्री ये रहे हैं। तो चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 2024 में भारत का पहला एआई यानी आर्टिफिशियल यूनिकॉर्न कौन बना है। 2024 में भारत का पहला एआई यानी आर्टिफिशियल यूनिकॉर्न कौन बना है। ऑप्शन है इंफोसिस, टीसीएस, कृत्रिम, विप्रो। इंफोसिस, टीसीएस, कृत्रिम या फिर विप्रो, इनमें से जो है कौन बना है 2024 में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम। तो कौन बना है, तो कृत्रिम जो है ये बना है 2024 में भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न जो है ये बना है। तो अगर हम बात करें यानी किस स्टार्टअप को जो है वो यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है, अगर हम बात करें तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप की अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप, अगर हम बात करें यूनिकॉर्न स्टार्टअप अगर हम बात करते हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप की यानी जब किसी स्टार्टअप की यानी जब जब किसी स्टार्टअप की जब किसी स्टार्टअप की जब किसी स्टार्टअप की जब किसी स्टार्टअप की जो है वो वैल्यूएशन जब किसी स्टार्टअप की जो है वो वैल्यूएशन यानी मार्केट कैप जब किसी स्टार्टअप की वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर जब किसी स्टार्टअप की जो वैल्यूएशन जो है वैल्यूएशन सॉरी वैल्यूएशन जो है वो 1 बिलियन डॉलर यानी यानी 8200 करोड़ से ज्यादा हो जाती है से करोड़ से जो है करोड़ से ज्यादा हो जाती है उसे उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप का उसे जो है उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। तो उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है यानी जिस स्टार्टअप की जो वैल्यूएशन जो है वो 1 बिलियन डॉलर यानी 8200 करोड़ से ज्यादा हो जाती है उस स्टार्टअप को जो है वो यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। तो 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनने वाला वो कृत्रिम है जो भारत का जो है वो पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है।
तो चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भारतीय सेना पहले संयुक्त अभ्यास सरदार तनसिंह किसके साथ शुरू करेगी। तो भारतीय सेना जो है वो अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है सरदार तनसिंह किसके साथ शुरू करेगी। ऑप्शन है इसराइल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ थोड़ा सा जो है वो गड़बड़ हो गया, संयुक्त अरब अमीरात जो है पूरा नाम है, संयुक्त अरब अमीरात या फिर ओमान। तो भारतीय सेना पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सरदार तनसिंह किसके साथ शुरू करेगी। ऑप्शन है इसराइल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात या फिर ओमान। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें सही आंसर की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है सऊदी अरब। तो किसके साथ करेगी, तो सऊदी अरेबिया के साथ, तो सऊदी अरेबिया के साथ, तो सऊदी अरब के साथ जो है भारत करने जा रहा है पहली मिलिट्री एक्सरसाइज, पहली मिलिट्री ज्वाइंट एक्सरसाइज जिसका नाम है सरदार तनसिंह। तो सऊदी अरब, तो सऊदी अरेबिया इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें इसके एडिशन की, तो ये जो ये पहला ही संस्करण, तो अगर बात करें इसके संस्करण की, तो इसका जो है पहला ये संस्करण ये होगा। और इसका बात करें इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, अगर बात करें इसके आयोजन की, तो इसका आयोजन जो होगा वो होगा महाजन महाजन फील्ड रेंज, महाजन फील्ड रेंज बीकानेर राजस्थान, महाजन फील्ड रेंज बीकानेर, बीकानेर राजस्थान, बीकानेर राजस्थान में जो है वो लोकेशन यानी यहाँ पर जो है इसका आयोजन किया जाएगा। एंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरेबिया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एप्पल के बाद 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप हासिल करने वाली दूसरी कंपनी कौन बनी है। हाल ही में एप्पल के बाद 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप हासिल करने वाली दूसरी कंपनी कौन बनी है। ऑप्शन है गूगल, अमेजॉन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट। गूगल, अमेजॉन, मेटा या फिर माइक्रोसॉफ्ट, इनमें से कौन सी कंपनी जो है बनी है एप्पल के बाद 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप हासिल करने वाली दूसरी कंपनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट। तो कौन सी कंपनी बनी है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनी है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो बनी है वो बनी है अब एप्पल के बाद 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप हासिल करने वाली दूसरी कंपनी ये बन गई है। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो इसके जो संस्थापक, इसके फाउंडर की अगर हम बात करते हैं, तो इसके फाउंडर की अगर हम बात करें तो इनका नाम है बिल गेट्स, इसके जो है को फाउंडर है बिल गेट्स एंड पॉल एनर, एंड पॉल एलन जो इन्होंने स्थापना की है। और अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसके हेडक्वार्टर जो यूएसए में स्थित है, और इसके सीईओ जो है वो है सत्य नडेला। तो सत्य नडेला, तो सत्य नडेला जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं। तो चलिएगा, और इसकी स्थापना 1945 में इसकी स्थापना हुई। तो चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और यह है आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए किसने सड़क सुरक्षा बल का गठन किया है। हाल ही में देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए किसने सड़क सुरक्षा बल का गठन किया है। ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। अगर हम बात करें सड़क सुरक्षा बल की, अगर हम बात करते हैं, इट मीन रोड सेफ्टी फोर्स, इट मीन रोड सेफ्टी फोर्स। तो सड़क दुर्घटनाओं को जो है वो कम करने के लिए जो है वो किसके द्वारा रोड सेफ्टी फोर्स की जो है वो उसका गठन किया गया है। ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें सही आंसर की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो वो है पंजाब। तो कहाँ, तो किसने स्थापना की है, तो पंजाब राज्य ने इसकी स्थापना यानी सड़क सुरक्षा बल की स्थापना की है। तो सीएम भगवंत मान के द्वारा जो है वो इसकी स्थापना, इसका गठन जो है वो किया गया है, जिसका नाम है सड़क सुरक्षा बल यानी रोड सेफ्टी फोर्स। यानी क्या होगा, यानी सड़क दुर्घटना होने पर
जो है वो 112 यानी 112 नंबर पर कॉल करने पर जो है ये रोड सेफ्टी फोर्स जो है 10 मिनट में जो है वो उस घटना स्थल पर पहुंचेगी। तो यानी क्या होगा, यानी दुर्घटना होने पर जो है दुर्घटना होने पर 112 नंबर पर 112 नंबर पर जो है वो कॉल करने पर जो है ये RSF यानी रोड सेफ्टी फोर्स घटनास्थल पर 10 मिनट में पहुंचेगी, यानी क्विक एक्शन ये करेगी। घटनास्थल पर 10 मिनट में पहुंचेगी, 10 मिनट में जो है वो पहुंचेगी, यानी ये एक्शन फोर्स जो होगी यानी ये सेफ्टी रोड सेफ्टी फोर्स जो होगी पहुंचेगी। और उद्देश्य है इसका इसका जो उद्देश्य जो है वो है नशा सड़क दुर्घटना और मृत्यु को कम करना। अगर हम बात करें इसके एम की यानी क्यों इसको जो है गठन इसका किया गया है, तो नशा सड़क दुर्घटना और जो वो मृत्यु में सड़क में एक्सीडेंट में जो मृत्यु होती है उसको कम करना, यानी मृत्यु को कम करना। और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। तो ये था आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब मिलेंगे कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड टेक केयर।